इस दिवाली पर आप भी 20,000 की प्राइस रेंज में फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 फोन्स जो दिवाली पर सबसे अच्छे होने वाले हैं और कौन से फोन में कितना कितना डिस्काउंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट लॉन्च वीवो Y300+5G फोन के बारे में। ये फोन 24,000 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही दिवाली पर वीवो ने 2,000 रुपए का डिस्काउंट डाल दिया है। फोन की बात करें तो फोन में आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। अब बात करते हैं फोन के कैमरा लाइन के बारे में, तो यहां आपको मेन सेंसर कैमरा मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है। फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। यही बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 2.4 का ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलेगा। तो फोन में वीवो ने यूज किया 5000mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी और 44W का चार्जर आपको बॉक्स में मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको किस रेंज का फोन चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उस पे बन जाए। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर रहने वाला है मोटो एज 50 फ्यूजन और ये फोन काफी टाइम से ट्रेंडिंग पे है और दिवाली डिस्काउंट के साथ में वापस ट्रेंडिंग पे आ चुका है। और फोन के डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो फोन में 6.7 इंच का 3D कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है, साथ में आपको 1600 निट्स का ब्राइटनेस मिलने वाला है, 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जिससे फोन काफी स्मूथली चलने वाला है। बात करते हैं फोन के कैमरा लाइन के बारे में, तो फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा मिलने वाला है और 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है। और बात करें सेल्फी कैमरा की तो 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा फोन में देखने को मिलेगा। बात करें फोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का चिपसेट मिलने वाला है, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। यहीं आपको 2.2 का आपको ऑक्टा कोर का CPU देखने को मिलने वाला है। बात करें फोन में पावर देने के लिए मोटो ने यूज किया है 5000mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए फोन के बॉक्स में आपको मिलने वाला है 68W का फास्ट चार्जर। और गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्राइस रेंज में फोन चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना दें। तो गाइस हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर रहने वाला नथिंग 2A और ये भी काफी अच्छा फोन रहने वाला है कैमरा लाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, तो फोन में आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो 5G चिपसेट मिलने वाला है, जिसमें आपको ऑक्टा कोर CPU का सपोर्ट मिलने वाला है। फोन के कैमरा लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा मिलने वाला है और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलने वाला है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा फोन में देखने को मिलेगा। नथिंग ने इस फोन में यूज किया है 5000mAh का लिथियम बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए 45W का चार्जिंग सपोर्ट आपको फोन में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर रहने वाला है सैमसंग M34 फोन और ये फोन बैटरी लाइन में काफी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि 6000mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी इस फोन में मिलने वाला है, जिसको आपको चार्ज करने के लिए 25W का चार्जिंग सपोर्ट भी आपको सैमसंग देने वाला है। फोन के डिस्प्ले क्वालिटी को देखा तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में आपको 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिलने वाला है और 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, इससे फोन काफी अच्छी तरीके से आप यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो सैमसंग ने इसमें यूज किया है एक्जोनॉस 1280 का 5G चिपसेट और ऑक्टा कोर 2.4 का आपको CPU यहाँ देखने को मिलने वाला है। फोन के कैमरा लाइन को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें मेन सेंसर कैमरा आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिलने वाला है। और फोन में सेल्फी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। तो गाइज ये फोन भी काफी अच्छा होने वाला है, सैमसंग का अटूट विश्वास भी आपको इस फोन में मिलने वाला है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर रहने वाला है ओप्पो F27 5G फोन और ये हमारा लास्ट फोन होने वाला है, तो देखते हैं ये कैसा होने वाला है। फोन में आपको 6.7 इंच का फ्लैट ओलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आपको 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिलने वाला है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट मिलने वाला है, जिसमें आपको 2.4 का ऑक्टा कोर CPU का सपोर्ट मिलने वाला है।
फोन की अगर कैमरा लाइन की अगर मैं बात करूँ तो मेन सेंसर कैमरा आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिलने वाला है। फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फोन के बैटरी लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलने वाला है, और फोन में आपको 45 वोल्ट का चार्जर मिलने वाला है जो फोन के बॉक्स में आपको मिलेगा। तो गाइज ये फोन लगभग आपको 19,000 की रेंज में मिलने वाला है। अगर बात करें दिवाली डिस्काउंट की, तो अगर इस पे डिस्काउंट आता है तो फोन आपको 18,000 रुपए की रेंज में लगभग देखने को मिलेगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इन पांचों फोन में से आपको कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा, और कौन सा फीचर इन फोन में जो आपको सबसे अच्छा लगा। और इसके अलावा भी अगर आपको अगर किसी फोन में कंपेरिजन कराना है तो जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि हम उन फोन्स का कंपैरिजन आपको कर देने वाले हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा 25K 30K और 50K के वीडियोस भी आने वाले हैं, क्योंकि इन वीडियो से आप भी अपना अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद पाएंगे।